दस्तूरे मोहब्बत बस है यही हस्ती को मिटाना बड़ा है इस दुख को फरिश्ते सहना सके उस दुख को उठाना पड़ता है जिस दुख को फरिश्ते सहना सके उस दुख को उठाना पड़ता है जर गफलत हुई या नजरें झुकी चहुं सभी ने घेर लिया जर गफलत हुई या नजरें झुकी चहुं सभी ने घेर लिया गुरु ज्ञान का दीपक हृदय में गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर हर वक्त जलाना पड़ता है दस्तूरे मोहब्बत बस है यही हस्ती को मिटाना पड़ता है भगवान का पाना आसान है सतगुरु का मिलना मुश्किल है भगवान का पाना आसान है सतगुरु का मिलना मुश्किल है सच्चा सतगुरु पाने के लिए सर भेंट चढ़ाना पड़ता है सच्चा सतगुरु पाने के लिए सर भेंट चढ़ाना पड़ता है दस्तूरे मोहब्बत बस है यही हस्ती को मिटाना पड़ता है जिस दुख को फरिश्ते सहना सके उस को उठाना पड़ता है मंदिर में गए मां जिद में गए फिर भी आत्मा का पता ना मिला मंदिर में गए मां जिद में गए फिर भी आत्मा का पता ना मिला जब समझ आई तो ये समझा सतगुरु दर जाना पड़ता है समझ आई तो ये समझा सतगुरु दर जाना पड़ता है दस्तूरे मोहब्बत बस है यही हस्ती को मिटाना पड़ता है जब नजरे करम सतगुरु की तो मंजिल भी कोई दूर नहीं जब नजरे करम सतगुरु की तो मंजिल भी कोई दूर नहीं वो नजरे करम पाने के लिए सतगुरु को रिझाना पड़ रहा है वो
नजरें करम पाने के लिए सतगुरु को रिझाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, अस्थि को मिटाना पड़ता है। जैसे एक लड़का था, नाम नहीं याद है, वो गया किसी गुरु के पास और उसने कहा कि मुझे आत्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो गुरु ने उसकी शक्ल देखी, शक्ल देखने के बाद उससे उसकी आंखों में देखा, थोड़ी देर तक उसके चेहरे को निहारा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करो, ये मेरी 5 गायें हैं, इनको ले जाओ और इनको 1,000 कर लेना, तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा। उसके बाद वो उसमें इतना खो गया क्योंकि 5 गायों को 1,000 करना अपने आप में एक बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा टास्क। इतने साल लग गए उसे उन सबको, और उसको बस उद्देश्य बस उसका एक ही था, लक्ष्य उसका एक था कि इनको 1,000 करके गुरु के पास जाना है। वो ज्यादा हो गई, 1,000 से भी ज्यादा हो गई, वो इतना मस्त हो गया वहां कि वो गायें 1,000 से ज्यादा हो गई। उसके बाद उसने, उन्हीं गायों ने, किसी एक ने उसको सचेत किया कि हम इतने हो गए हैं, तुम्हें अब गुरु के पास जाना है। उसे सुध ही ना रही कि गुरु के पास भी जाना है। तो वो गया, जब गया गुरु के पास जागने के बाद, तो गुरु ने देखा, गले से लगा लिया और कहा तुम तो सब पा चुके। ये एक स्टोरी हम लोगों ने सुनी पड़ी है, लेकिन हमारे जीवन में भी तो शायद यही हो रहा है। जब तक हमें अपनी याद है कि हमने इतनी त्याग किया, इतना तपस्या करी है, हमें ये करना है, हमें दूसरे के साथ जो है हमें निभाना है, हम बहुत निभा रहे हैं, हमारे गुरु का ज्ञान हमारे पास ना होता तो हम निभा नहीं सकते थे। ये सारी बातें कहां से शुरू होती हैं? हमारी ही मन से। हमें अपनी याद है, हम अपने आप को भूले नहीं, उस व्यक्ति की, उस बच्चे की तरह जिसने गुरु के वचन में, गुरु के विचार में चलने में उसे सारे अनुभव हो गए। क्यों? कहीं उसे उनको जीवित रखने के लिए कुछ करना भी पड़ा होगा, खिलाने पिलाने के लिए भी उसे कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ी होगी। कभी मेहनत नहीं कर पा रहा हो तो शायद चोरी भी करनी पड़ी होगी दूसरे के खेत से चारा लाने के लिए। कभी जो है उसे और भी कुछ करना पड़ा होगा, उनके लिए जागना पड़ा होगा, बीमार हुई होंगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ा होगा। जैसे एक गृहस्थ में होता है ना कि बच्चा हो जाता है तो उसे पालने के लिए क्या क्या माँ बाप करते हैं, उसको सक्षम बनाने के लिए, उसको अपने पांव पे जैसे वो खड़े हैं वैसा उसको खड़ा करने के लिए वो अथक प्रयास करते हैं, तब तक जब तक वो खड़ा नहीं करते हैं। गुरु जी भी तो वही प्रयास कर रहे हैं हम उनके साथ कि जब तक हम अपने स्वरूप में टिक नहीं जाते तब तक जो है वो
हमारा साथ तो नहीं छोड़ेंगे किसी भी तरह से। हम जहां जाएंगे प्रकृति हमारे साथ वही सब करेगी जो यहाँ हो रहा है। हमें ऐसा लगता है यहाँ कष्ट ज्यादा है, वहां बड़ा सुख है, फलाना बड़ा खराब है, ढिमकानी बड़ी अच्छी है, ये सब हमारी सोच है। हम तो इतने काबिल हैं, या हमने गुरु जी की बात नहीं मानी, इसलिए ये पश्चाताप करना तो चलो सही है, लेकिन उस पश्चाताप में एक ज्ञान और भी तो है कि अब सजगता से खड़े रहे, अब सजगता से हम जागे रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा है, होगा जो अच्छा ही होगा, ये नियम सच्चा है। इसमें भी तो जागना पड़ेगा। हम सिर्फ कह दें और अंदर ही अंदर जो है ना अपनी त्याग तपस्या में रहे, उसके अहंकार हमारे अंदर पल रहा है। इसीलिए गुरु जी कहते थे कि स्थूल शरीर से निकलना थोड़ा आसान होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से निकालना बहुत कठिन होता है। सूक्ष्म शरीर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है वहीं पे तो सारा काम चल रहा है, वहीं से तो प्रेरित होके बाहर सब आ रहा है, उसी से तो वहीं पे तो हमारी मैं कारण शरीर, सूक्ष्म के बाद कारण शरीर, वहीं तो हमारी आपकी मैं जो है ना बहुत ही महीन उससे जुड़ी हुई है शरीर से। अब गुरु उसको तोड़ने में लगा, गुरु उखाड़ने में लगा है प्रकृति के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा। बोले किसी ना किसी पत्थर के द्वारा, अपनों के द्वारा, परायों के द्वारा, हम उनमें क्या कर रहे हैं, हम ही तो नाम रूप में फंसे हुए हैं, इसलिए दूसरे को भी नाम रूप मान रहे हैं। नाम रूप से जब तक नाम रूप नाश नहीं करेंगे, जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे कि हम कैसे नाम रूप नहीं है, तब तक हम दूसरे को नाम रूप ना माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम खुद ही नाम रूप में। ये ज्ञान तो गुरु जी से मिल रहा है और शने शने उसमें हम लोग टिकने का अभ्यास कर रहे हैं। भगवान का, इसीलिए बोला ना, भगवान का पाना बड़ा आसान है, लेकिन सतगुरु का मिलना बड़ा कठिन है। सतगुरु आपके और हमारे अंदर ही है, अपने सत्य के गुरूर से मिलना, असत का गुरूर फटाफट हम लोगों को असत में गुरूर आ जाता है, फटफट फटफट फटफट। तो बोले उस वो गुरूर से क्या होता है, अहंकार और ज्यादा प्रज्वलित हो जाता है, प्रबल हो जाता है। मैं बहुत त्यागी तपस्वी, मैंने बड़ी तपस्या करके, मैंने बहुत साधना करी है, मैंने बहुत, अरे मैंने बड़ा त्याग किया है, मेरी आदतें तो ऐसी थी, लेकिन मुझे इन आदतों में रखा गया, मैं बोले इन आदतों में संभल रही हूँ, संभल गई। जहाँ ये होता है ना वही अहंकार शुरू हो जाता है, तो वही जो है ना प्रकृति से फिर छीछा लेना शुरू होती है। किसकी? हर भक्त की, क्योंकि अहंकार बातों से थोड़ा ना हटता है, बिल्कुल ना कंडम करके छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल कंडम, नथिंग, कुछ हो ही नहीं। जो हम अपनी हस्ती अंदर ही अंदर बनाए रहते हैं, हम बड़े ज्ञानी, हम बड़े तपस्वी, हम बड़े त्यागी बैरागी, कोई निभा नहीं सकता है हमारे हमारे बिना। ये जब सोच जो उल्टी सीधी सब होती ना, या उस सोच से ही आगे पीछे की स्थिति का आकलन करने लगते हैं, तो वो सब जो है ना नुकसानदेह होता है। क्या अहंकार का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं? क्यों मिल गए हैं अपने झूठे स्वरूप से, देह के स्वरूप से?
अब दृष्टा नहीं रह गए हम कि मन का भी देख सके, भगवान को भी देख सके, गुरु के वचन को भी मान सके। भक्ति नहीं, अभी क्या है, चल रहा है अहंकार। अब अहंकार का तो नाश होने ही होना है, मटिया में गुरु जी करके ही रहेंगे, चाहे मेरा चाहे तेरा चाहे किसी का, जो भी साधक लगे हैं सब सबका होता है, सबके परीक्षाएं होती हैं, और परीक्षा में ही नाम रूप देखते हम फेल हो जाते हैं। बोले नाम रूप ने किया, नाम रूप ने, नाम रूप ऐसा कर रहा, नाम रूप ऐसा कर रहा है, नाम रूप में तो फंसे हैं, हमको दे नाम रूप को हम सामने देख रहे हैं, कैसे होगा, कैसे मेरा भला होगा, क्योंकि मोहब्बत का दस्तूर ही तो यही है कि हस्ती मिटाना। हम तो हस्ती रख के मोहब्बत करने में लगे हैं भगवान से, हस्ती बरकरार रख के दूसरे की हस्ती को कंडम कर करके, या दब रहे हैं डर के मारे तो सहना समझ रहे हैं, हम सह बहुत रहे, ये सब सोच अगर चल रही है तो हस्ती ही तो मैं की एक जो काल्पनिक हस्ती हमने अपनी बना रखी है, मैं फलानी तुम फलाना, उसी को तो कायम कर रहे हैं, उसी को गुरु जी तोड़ते हैं हम पक्का कर लेते हैं, गुरु जी उखाड़ते हैं हम और जमा देते हैं, मिट्टी डाल डाल के ऐसे विचार डाल डाल के जमा देते हैं, हाथ पानी में बढ़िया डाल देते हैं, दो चार अपनों से मिल जाते हैं जो अच्छी मंत्रणा देते हैं। हाँ सही तो है, अरे बड़ा सा वो जो अपने होते हैं ना, वो ऐसी मंत्रणा देते हैं बढ़िया वाली, कोस देंगे हमें, कोस देंगे तो क्या हो जाता है, वहीं पे हम लोग फिर जितने गुरु उखाड़ता है उससे ज्यादा मेहनत से हम जम जाते हैं अपनी ईगो में, क्या करे वो कैसे निकाले। थोड़ा सा विश्वास करना पड़ता है भगवान पर, अपने गुरु पर, कि वो जो कर रहा है जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा है तो कैसे इतना ज्यादा विपरीतता मेरे जीवन में आ रही है, कारण क्या है, क्योंकि ऐसी अनुकूलता भी आई तब जब हमने अंदर से एक मुझे ईश्वर देखा, तो महिमा भी हम ही करते हैं, कारण क्या है, बोले अपना ही नजर ठीक करनी है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र गुरु जी ने दिया हमें और आपको, अपनी नजर ठीक करनी है, नजर के पर्दे को क्या करना है, तोड़ना है, नजर पे जो पर्दा आ गया है ना उसको हटाना है, नाम रूप का पर्दा, नाम रूप नाश करके ब्रह्म का प्रकाश करें, पहले अपने में करें तो सब में करें, सबसे पहले गुरु जी में करें, कि गुरु वाक्य सत्यम, गुरु की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है, बोले हम भक्त हैं हम कष्ट में, कारण क्या है, क्या हम भक्त गुरु के हैं, गुरु के विचार को अपना, गुरु का भक्त होना क्या है, क्या उनके पैर छूना, नहीं उनके विचार को पकड़ना, क्या हम विचार पकड़े, और मन बार बार उसी विचार को भूलता है, फिर हमको जागना, बोले बार बार गिरे फिर जागे, फिर गिरे फिर उठे, तो अगर गुरु भी विश्वास कर ले एकदम से, हम गिरे हैं तो अब अरे गुरु तो फिर परीक्षा लेगा हमारी, तुम्हारी वैसी ही आएगी परीक्षा, बिल्कुल वैसी परीक्षा आएगी जिसमें हम फेल होते हैं। हमारे साथ तो यही हुआ था कि इनकी डेथ हुई और उसके बाद तुरंत अंकुर के रूप में तुरंत वैसी परीक्षा आ गई, अंकुर के जीवन मरण का, तो क्या किया, फिर गुरु वचन को अपना के नाम रूप से नाता तोड़ने लगे, तेरी मर्जी के बगैर तो तू अपमान कराना चाहता है तो ठीक है, तू नंगा नाच दिखाना चाहता है वो भी चलेगा, सब चलेगा, सब कुछ चलेगा,
डर भय निकाल, भय नहीं रखो, भय से हटो। भय अगर रखोगे तो दिक्कत तो होगी, क्या है, आखिर तो ईश्वर का ही है ना साम्राज्य सारा, ये संसार ईश्वर का खेल ही तो है। और हम लोग कोई कहने के लिए नहीं ईश्वर का साथ कर रहे हैं, हम सच में उसको प्रकट कर रहे हैं अपने जीवन में ये, और इस बात में टिक रहे हैं रोज रोज कि सारी सृष्टि ईश्वर से चल रही है, हमारे और आपसे नहीं चल रही है। तो बार बार क्या करना है, झुक जाना है, मिट जाना है। जब उसकी चाहत है तो मिट जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हम तो शरीर का हिस्सा तो नहीं होता है ना, तो बोले उसकी विचार में अगर शरीर का अंत भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, होने दो। कम से कम एक सरकारी आदमी भी, सरकारी नौकरी में भी अगर मौके वारदात पे जो है ना हो जाती है मृत्यु उसी प्रीमिसेस में, बैंक में या उसमें ऑफिस में, तो सारा कुछ मिलता है। भले अब गवर्नमेंट कहती है कि नौकरी नहीं मिलेगी, बाप के बाद बेटे को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ऐसा होता है कि उस प्रीमिसेस में हो जाती है तो जरूर सब कुछ मिलता है। तो ईश्वर का भी तो शायद कानून ऐसा ही होगा कि हम गुरु के वचन में अगर चल के अंदर से एक न दो करके नाम रूप को दोष न दे के मिटने की कला सीख रहे हैं तो भगवान कैसे प्रकट नहीं होगा, अवश्य प्रकट होगा। बहुत सत्य का दरबार है, अगर सत्यता ना हो, हमको तो ऐसे अब जिस समय हम ज्ञान ले रहे थे ऐसे समझ में आई थी एक घटनाक्रम से, गांधी जी के पीछे गांधी जी की हस्ती कैसी थी, वो सत्य में थे, ऐसा नहीं था, नहीं वो सत्य से गलतियां होती हैं, वो सब एक वो एक अलग बात है, लेकिन सत्य था उनके अंदर, सत्य में वो रमण करते थे। तभी तो उन्होंने देखो एक कंगन भी चुराए थे तो उसको भी जल्दी से मन खोल दिया, सारी आत्मकथा में उन्होंने अपने मन को ही तो लिखा। तो सत्य में टिकने का, सत्य में टिके या टिकने का अभ्यास तो कर ही रहे थे ना, तो उस सत्य में जो टिकने का अभ्यास कर रहे थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहां उनको मार पाई, नहीं तो अरे जिससे हिल रहा हो उनका साम्राज्य, दुश्मनों का साम्राज्य जिस व्यक्ति से हिल रहा हो उसे उसे पीछे से घात करके मारने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, हजारों को उनका तो काम ही यही था, गर्म फूट डालो राज्य करो, तो वो क्यों नहीं पीछे से वार कर देते, अब मार डालते, लेकिन नहीं, ताकत नहीं थी सत्य के साथ, क्योंकि सत्य का रखवाला प्रकृति पूरी होती है, भगवान होता है, तो इसलिए नहीं उस उनको कर पाए। तो इसी बात से जाना था कि सत्य हमारे अंदर है कहाँ, अभी तो हम असत्य से जुड़े हैं शरीर से, मैं कर रहेंगे, सत्य पहले प्रकट तो हो तो भगवान प्रकट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी पे तो क्या मीरा की, द्रौपदी की, प्रहलाद की, सबकी भक्तों की कहानी है, जीवन कहानियां बन गई है, वो है उनकी सच्चाई कि उन्होंने झुकना स्वीकार किया, मिटना स्वीकार किया गुरु के विचार से, और नाम रूप से हटना स्वीकार किया, और अपने अंतर को ही संभाला कि हम भी तो नाम रूप देख रहे हैं, हम ही तो नाम रूप करके जो है ना सारा व्यापार कर रहे हैं बाहर का, हम कौन सा भगवान वर्ग से खरीदारी, भगवान वर्ग का व्यापार कहाँ कर रहे हैं, बोले मोर्चा कठिन करा रही, पार ब्रह्म से लगन लगी है, मोर्चा कठिन करा रही, करारा मोर्चा है, सरल थोड़ी ना है, क्योंकि ब्रह्म से भी पार परे जो है उसकी उसके उसको खोजने में हम लोग लगे कि ब्रह्म से भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी
से भी परे है, रामकृष्ण से भी परे है। कौन है वो? वो सत्ता, वो सुप्रीम पावर। हम उसके शरण में आने का अभ्यास कर रहे हैं हम लोग। तो क्या वो हर जगह नहीं है? वो सुप्रीम पावर को कोई दुख दे ऐसी ताकत किसी को? अगर हम सच में ईश्वर में हैं तो, अन्यथा तो कोई भी आके डपनी बजा के चला जाएगा। अपने अंदर झांकना है, क्या हम सत्य में हैं? क्या मोहब्बत के दस्तूर को हम निभा रहे हैं? हस्ती अरे दो दो सेकंड में लड़ने लगेंगे, डर भय से भले चुप हो जाए, अन्यथा दो दो सेकंड में नाम रूप देख के एक एक शब्द पे एक एक वाक्य पे जो है ना लड़ाई करने लगेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ये नहीं, ये करना है, बड़ी एक एक मिनट पे। और ये तो बड़ी छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे बड़ा। तो क्या है हमारे, हम झुके ही नहीं है अभी। हमारी भीत अपने सतगुरु से हुई नहीं है तो हमें सतगुरु अंदर कैसे मिले? हम ही अटके पड़े अपने अहंकार में, नाम रूप में। तो सत्य का दर्शन तो बड़ा कठिन बात है, बहुत दिल्ली दूर है। अन्यथा हर घटनाक्रम उससे मिलाने का काम कर रही है, उसके नजदीक लाने का काम हो रहा है। हर घटना क्रम जागना है। जागो रे जिन जागना, जागने की बात, फिर क्या जागे नाने का, फिर क्या जागे नाने का, जब सोए पाँव बरसा, जागो रे जिन जागना, जागो रे जिन जागना, अब जागने की बात, फिर क्या जागे नाने का, फिर क्या जागे नाने का, जब सोए पाँव पसा, जागो रे जिन जागना, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म कारत की, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म कारत की, कहे नानक हरि भज मना, कहे नानक हरि भज मना, जहिद जल को जागो रे जिन जागना, अब जागने की बात, फिर क्या जागे नाने का, फिर क्या जागे नाने का, जब सोए पाँव पसा, जागो रे जिन जा, जो प्राणी ममता रजे, लोभ मोह अहंकार, जो प्राणी ममता रजे, लोभ मोह कहे नानक आप करे, कहे नानक आप करे, आ
जागो रे जागना, अब जागने की बात, फिर क्या जागे नान का, फिर क्या जागे नान का, जब सोए पाँव पसा, जागो रे जिन जागना, संग सखा सब तज गए, कोई न निभाया सा, संग सखा सब तज गए, कोई न निभाया सा, कहे नानक इस विपद में, कहे नानक इस विपद में, एक एक रघुनाथ, जागो रे जिन जागना, अब जागने की बात, फिर क्या जागे नान का, फिर क्या जागे नान का, जब सोए पाँव पसा, जागो रे जिन जागना, सुख में बहु संगी भए, दुख में संग न को, सुख में बहु संगी भए, दुख में संग न को, कहे नानक हरी भज मना, कहे नानक हरी भज मना, अंत सहाय हो, जागो रे जिन जागना, अब जागने की बात, फिर क्या जागे नान का, फिर क्या जागे नान का, जब सोए पाँव पसा, जागो रे जिन जागना, झूठे मान काहे करे, जग सपना जूं जा, झूठे मान काहे करे, जग सपना जूं जा, इन में कछु ते रो नहीं, इनमें कछु ते रो नहीं, नानक कहे बखान, जागो रे जिन जागना, जागो रे जिन जागना, अब जागने की बात, फिर क्या जागे नान का, फिर क्या जागे नान का, जब सोए पाँव पसा, जागो रे जिन जागना, जागो रे
जिन जागना, बोले जागो, जाग के अपने परमेश्वर को प्रकट करो। सब जगह वही है, जब कण कण में वो व्याप रहा है तो उल्टे सीधे सब में भी वही तो है ना। तो हम लोग नाम रूप का नाश करके ब्रह्म को प्रकाशित करें, हमारा यही जागना कहलाएगा। ये नहीं, बाहर की कोई मदद नहीं, ईश्वर को प्रकट करो, मदद सच्ची पुकार। त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं जब, तो बोले क्या होता है, वो प्रकट हो जाता है। उसे पुलाने के लिए क्या करना होता है, सिर्फ उसकी गुहार लगानी है, सिर्फ उसे रटना है अंदर में, तन मन प्राण से उसका नाम लेना है, करो पुकार। बोले वो आए ना ऐसा होता नहीं, वो प्रकट ना हो ऐसा होता नहीं है। हम लोगों ने गुरु जी से यही तो बहुत बड़ा रहस्य पाया है ना, कि उसको प्रकट कर ले। हम तो नाम रूप को प्रकट करने में लगे, गर्भ उसको प्रकट करो, जल्दी जल्दी प्रकट करो, ज्यादा ज्यादा प्रकट करो, देखो क्या होता है। अरे बड़ा करिश्माई है, उसी का नाम तो साचा है, हमारा तेरा नाम, ये नाम रूप का नाम तो बिल्कुल झूठा है, और हम लोग उसी में फंसे पड़े। उसका नाम तो लो, उसको पुकारो तो सही। हम लोग तो नाम रूप के गुण अवगुण देखने में लगे, वो नुकसान दे, वो हमारी व्यथा मिटा नहीं सकता। क्यों, कितनी भी हम दूसरे की गलतियां गिना लें, कितना भी हम अपने गुण को दिमाग में ध्या लें, उससे क्या हो जाएगा। भगवान तो हमारे तुम्हारे पीछे लगा है काहे के लिए, सत्य लखाने के लिए, कुछ अलौकिक देने के लिए, कुछ बड़ा कीमती अपने को देने में लगा है। जल्दी से उसे प्रकट करो ना, जल्दी प्रकट करो, देर न कर, देर न कर, एक मिनट की भी, एक क्षण की भी देर न कर, जल्दी उसे प्रकट करो, देखो वो प्रकट होता है। लगी आग लंका में हलचल मचाता, घर फिर विभीषण का क्यों कर बचाता। सुना था ये हमने कि गणिका तरी थी, कहो कौन सी उसने भक्ति करी। हला हल का मीरा ने प्याला पिया था, कहो विष को अमृत किसने किया था। बोले जिसने किया था उसी को तो प्रकट करने का काम करना, उसी को तो, अरे ताकत नहीं किसी के ऊपर, हाथ उठे के उठे रह जाते हैं। ये प्रहलाद के साथ हम लोगों ने उनका जीवन चरित्र पढ़ा है, तो हम लोगों ने देखा है तलवार का चलाने वाले का हाथ जहां की तहां रह गया, बोलने वाले का मुंह खुला की खुला रह गया, लकवा मार गया। ये सब होता है, ये सब होता है, ये सब हुआ है। इतना सत्य है ये दरबार, इतना सत्य है, झूठ के दरबार में नहीं बैठे हम लोग सत्य। लेकिन पहले हम सत्य का काम तो करें, हम देखें तो उसको, हमारा देखने का काम हो क्या रहा है, नाम रूप नाम रूप नाम रूप। जबकि गुरु जी का पहला ज्ञान है नाम रूप नाश कर, ब्रह्म का प्रकाश कर। अपने में ब्रह्म प्रकट कर लिया, दूसरे में नाम रूप प्रकट कर रहा है, क्या मूर्खता की सोच है। श्वासों का सदुपयोग करना है, श्वासों का हर श्वास में उसका नाम जपना है, उसके नाम की गुहार लगाना है। अरे वो तो आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल लगाने वाले, है कोई ऐसा हरि का, है कोई ऐसा हरि का। राम नाम अति मीठा है,
कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन में है अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, मन में है अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में है अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, घर में है अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति को, राम नाम की ज्योति को जगा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। गीत अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई, गीत अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला कर गया सदन कसाई, नीच कर्म को करने वाला कर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे, पत्थर से हरि प्रगटे प्रगटा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई को मोल लगाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई को मोल लगाने वाला। है कोई ऐसा हरिका, है कोई ऐसा हरिका लगा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम।
हम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ले कभी आया था ऐसा नहीं, आज भी आता है, हमेशा आता रहेगा, हमेशा आता रहा था, हमेशा आता रहा है, हमेशा आता रहेगा। हम उसकी गुहार लगाए, प्रकट करें उसको, नाम रूप को नहीं प्रकट करें, उसको प्रकट करें। वो अपने आप काम करता है, पक्की बात बता रहे 100% या 100-200% कह लो, कितने परसेंट कह लो, सच्ची बात है। और हम लोग उसी को तो खोज रहे हैं कि कैसे वो हर जगह समाया है, और हर जगह समाया है तो हमारे अंदर भी कैसे समाया है। हमारी मैं में थोड़ा नाम मिलने वाला है, हमारी मैं से जब हम दृष्टा बनेंगे अपनी मैं के, तो चारों तरफ दिखाई देगा और अपने अंदर भी दिखने लगेगा। लेकिन एक दिन प्रयास कर रहे हैं, रात दिन हम लोग प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। बोले हमारी प्रैक्टिस अगर नीचे की तरफ जा रही है कि हमें और सब खराब लगने लगे हैं, और सब जो है ना हमें दोषी लगने लगे, हम अपने आप को ज्यादा अच्छा मान रहे हैं, हम कुछ हो गए हैं, कुछ हम बन गए हैं, गुरु बन गए, कुछ हम हो गए, कुछ हम शिष्य बन गए, कुछ हम गुरु के बन गए, ये सब जो अगर मेरे अंदर हो रहा है तो अगर उसका खेल चल रहा है तो बड़ा मुश्किल है। मैं का खेल बंद करना पड़ता है, बंद करना पड़ेगा। क्यों? भक्त है हम लोग, हम सब भक्त हैं, और जब लगे मुक्ति में तन मन प्राण से तो काम तो करेगा ही। बोले हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सुख दुख सब में वो दिखने लगा। अपने से ही प्रश्न करना है, अपनी चेकिंग अपने आप करनी है कि दुख में भी कुछ भलाई दिख रही है, हानि में भी कुछ भलाई दिख रही है, लाभ में तो खूब दिखाई देती है, सुख में बड़ा नजर आता है, सुख में याद ज्यादा आता है भगवान। जिसको सुख में सिर्फ ज्यादा याद आ रहा है तो वो तो दुख से, दुख में भगवान देख न पाने के कारण उसे कहा सर्वत्र नजर आएगा। अभी भगवान कैसे पता चलेगा कि सर्वत्र वही है? बोले प्रेम ऐसा था कि दीवाने हो गए थे इतना प्रेम में कि रस्सी पकड़कर औरत के प्रेम में अपनी, इतना पागल हो गए थे कि उस मायके गई हुई थी तो उसको मिलने के लिए जब निकले तो उसके पास जाने के लिए तो क्या हुआ, आंधी तूफान आ गया रास्ते में, धुन में है ना, रस जाते कैसे, बहुत अपमान होता सामने से जाते, तो बोले एक रस्सी जैसी लटक रही थी अंधेरे में, दिखाई नहीं दे रही थी दीवार पे छत की, उस पे चढ़ गए, उसके सहारे चढ़ गए। और पहुंच गए उससे मिलने, उसी ने कहा कि अरे इतना भगवान में पागल होते तो जाने क्या होता, तुम एक औरत के शरीर में इतने आसक्त हुए कि तुम्हें सांप नहीं दिखाई दिया, रस्सी समझ के तुम उस पे चढ़ गए, उसका भय खत्म हो गया। तो धुन ऐसी होती कि भय खत्म हो जाता है, परमात्मा से मिलन की अगर उसको अपने अंदर प्रकट करने की धुना धुन अगर हम सबको लग जाए तो क्या करना है, हर श्वास खर्च काय में करनी है, फालतू की बातों में नहीं, उसको देखने में कि पिक्चर में भी वो कैसे है। जैसे पिक्चर में हम लोग कैसे देखते रहते हैं कि देखो
भगवान डायरेक्टर नहीं चाहता है तो ये काम नहीं हो रहा है, जबकि वो सत्य है, वो सब कुछ है, लेकिन डायरेक्टर नहीं चाह रहा है। हम लोग के ना परवस है, डायरेक्टर के हाथ में है, वो ही है, वो नहीं मारेगा हीरो हीरोइन को, वो हर हाल में बच रहे हैं, बाकी और जो है ना मर रहे हैं, सब हो रहा है, सब हम लोग देखते हैं। और लोग भगवान की विषय में विवेचना करते हैं भगवान डायरेक्टर के माध्यम से, कि डायरेक्टर जैसे फिल्म बंधी है डायरेक्टर के हाथ में है, हर सीन उसमें डायरेक्टर के हाथ में है, ऐसे ही तो इस संसार रूपी फिल्म का भी हर सीन परमात्मा रूपी डायरेक्टर के हाथ में है, नाम रूप से कुछ हो ही नहीं रहा। जब ऐसा समझ लेंगे तो आराम आने लगेगा। अब समझ लेने और करने में दोनों में फर्क है, वो प्रैक्टिस चाहिए, तो वहां पे दोष देना बंद होता है, फिर दिमाग दोष देना बंद करता है। ये सब अभ्यास ही तो है, हर सांस के साथ अभ्यास तो है, हर सांस मेरी तेरी पूजा, एक बड़ा अच्छा भजन है, हर सांस तेरी पूजा कौन गाता है, श्वेता गाती है, शायद श्वेता तुम गाती है ना, सुना कौन गाता है ये भजन, ऐसा वो भगवान है। हम लोगों को गुरु ऐसा बढ़िया मिला है कि हम उसके माध्यम से उसी सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं और उस सत्ता को महसूस करने लगे हैं सब जगह। कितनी कृपा है गुरु जी के, कितने धन्यवाद हैं। और प्रकट कर लें तो और वो मतलब ऐसी नायाब चीज मिल जाएगी, अनमोलक वस्तु, अमोलक दी मारे सतगुरु कृपा कर अपनाए, जिसका कोई मोल नहीं है, सांसारिक कोई मूल्य है ही नहीं, कदर बस है, कदर जो कर ले वो लाभ ले जाए, वो तो नथिंग है, बिल्कुल नथिंग ही, एवरीथिंग इज, सब कुछ है, वही समझना है।